ओ भाई कांडो पे बैठ रही हो, ये लो ये आ गया तुम्हारा दाना। हैं कहाँ जा रही थी, तुम्हारा ही दाना तो लेने गया था यार। मैंने इनका ही निकाला और इनको नया दाना डाला, तो ये फौरन अंडों पे बैठनी जा रही थी कि ये समझी कि शायद मैं चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार इनको दाना डालना सबसे पहले मेरा होता है, अब मैं इसको दाना डालता हूँ क्योंकि यार ये अंडों को सीख रही है ना हमारे ब्लैक बफ के, तो मुझे ये होता है ये अंडों पे से उड़ जाती है। मैं जैसे ही आता हूँ ना छत पे अंडों पे से उड़ जाती है कि हमें दाना पानी करेगा और फिर खाना पीना करके पूरा और अंडों पे इंक्यूबेट करने बैठ जाती है उन्हें। खैर से यार अंडे देखे हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं। हाँ ना कोई उनमें, मैंने निकाल के भी देखे थे दोस्तों, ना तो उनके अंदर कोई मतलब बोलते ना कि टूट रहा हो कहीं से या कुछ कराओ, इसने बिल्कुल साफ सुथरे अंडे रखे हैं यार अभी तक। और मैं घास भी यार इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि घास डालता हूँ ना तो ये ना घास इसका मेल जो है खींच खींच के सारी निकालता है, उसकी वजह से ना अंडा बाहर आ जाता है प्याले से और वो अंडा टूट जाता है क्योंकि पहले एक मरतबा तोड़ चुके हैं। इसलिए ना मैंने अंदर घास इस मरतबा नहीं बिछाई ताकि ये दोनों जो हैं अच्छे से अंडे को सेक के और हमारे ब्लैक बफ के जो फैंसी चिक्स आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, वो जल्दी से हमारे पास वापस आ जाएँ। तो यार जल्दी जल्दी खा लो चलो, ठीक है ना, और जा के फौरन अंडों पे बैठो। ब्राउनी तुम तो आज खुश हो ना, तुम्हारे को तो अपना मनपसंद खाना मिल गया आज, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब हैं, अब तो वो मसला नहीं है ना कोई। तो यार अब से कुछ अरसे में ना ब्राउनी की जो माँ है ना हमारी, ये गलवा मुर्गी जिसका नाम हमने गलवा ही रख दिया था, तो ये इसको जल्द अज जल्द छोड़ देगी क्योंकि अब से कुछ अरसे बाद, क्योंकि बच्चा जो है हमारा ब्राउनी माशाल्लाह देखें अच्छा हाइटेड भी हो रहा है और कुछ अरसे बाद तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये छोड़ देगी इसको। तो हम मैं वही वेट कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द छोड़ें, तो फिर हम इसको और जो एक दो और मुर्गियाँ हैं उसको इस वाले नर के साथ ज्वाइन कर दें ताकि ये जो है मेटिंग करें और फिर अंडे आए हमारे पास फर्टाइल और फिर इनके जो नस्ली बच्चे हैं असील वो निकाल सकें। यार तुम जो हो हमारे सेटलनेट कबूतर, दूसरा अंडा कहाँ है तुम्हारा है? एक अंडा तो यार दोस्तों वो देखे इनका ये पड़ा हुआ, पर दूसरा अंडा इन्होंने अभी तक नहीं दिया यार। आज इन लोगों को लाजमी देना था दोस्तों क्योंकि एक अंडा शायद इन्होंने परसों दिया है, वो देखे मेरे आते अंडे पे जाके बैठ गई है, पर दूसरा अंडा पता नहीं कब देगी यार ये, मेरे हिसाब से इसको दे देना चाहिए था। अब वेट करते हैं हम कल तक का, और अगर इसने दूसरा अंडा नहीं दिया फिर यार हमारे पास जो है एक बफ का अंडा और पड़ा हुआ है, फिर हम वो इसको दे देंगे इनक्यूबेट करने दूसरा अंडा भी साथ, क्योंकि एक अंडा ये अक्सर छोड़ देते हैं, एक अंडे को ये नहीं करते इनक्यूबेट और वो अंडा ख़राब चले जाता है, इस वजह से हमारे पास पड़ा हुआ तो है छोटे डॉन का एक अंडा, तो उसको इसके नीचे रख देंगे। तो यार दोस्तों मेरे पास जो है फुरकान की अब भी कॉल आई थी कि हसन भाई मैं जो हूँ वो पहुँच जाऊँगा आज हैदराबाद, और वो तो बोल रहा था कि अभी आप जब वीडियो बना रहे होंगे मैं तभी पहुँच जाऊँगा। मैं यार शायद ही हो क्योंकि उस वक्त उसने तकरीबन 5:30 बजे कॉल किया, तो इतनी जल्दी पहुँचना नामुमकिन है, हमें मगरिब हो जाएगी अगर उसका हमने वेट करा, हो सकता है कि रात ही हो जाए क्योंकि ज़्यादा क्या रश हो बीच में, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने उसे बोला मैं वेट कर लूँगा, अगर पहुँच गए तो ठीक, नहीं पहुँचे तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी, फिर कल ही व्लॉग में वो साथ आएगा। यार ये देखें ये चील वापसी से अब इधर आके बैठ गई है। तो यार मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आप लोगों से कि जैसे चीलें बैठी हुई हैं क्या हम किसी चील को ट्रैप करें या नहीं, तो ये आप लोग कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या हमें कोई चील को ट्रैप करना चाहिए, क्योंकि यार हमारे इधर बहुत सारी चीलें आती हैं और हद तक के हमारी छत पर अच्छी खासी चीलें उतरती हैं जिसका मैं तुम लोगों को सबूत दे सकता हूँ, और वो सबूत है ये पर, ये देखें कितना बड़ा पर है, ये चील का ही है, इसकी आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो इसका कॉर्नर आ रहा है ना ये देखें जहाँ से जुड़ा हुआ होता है शाख, तो ये देखें कितना बड़ा पर है, और ऐसे एक नहीं मुझे तकरीबन ऐसे यहाँ पे पड़े हुए 7-8 पर मिल चुके हैं, और ये आज मैंने एक और देखा है लेकिन मैं हर बार फेंक देता हूँ, तो इस वजह से मैं सोचा यार ये चीलें बहुत उतरती हैं हमारे सेटअप पर, तो आप लोग कमेंट में बताएँ क्या हमें इन्हें ट्रैप करना चाहिए या नहीं। ओ चलो 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 भाई, इन्हें तो यार मैं भूल ही गया था दोस्तों, तो यार इनको भी खोल देते हैं क्योंकि इनकी जो है वो ट्रेनिंग है डेली की, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए कि इनको जो है हम अपने सेटअप का आदि बनाएंगे, तो ये देखें ये तो काफ़ी हिल गया सेटअप से, चलो जाओ भाई। यार ये जो है ना दोस्तों ये हर मरतबा ना इनको निकालना पड़ता है, और ये इससे बहुत तेज़ है दोस्तों, इससे बहुत तेज़ है यार ये, चलो भाई तुम भी ऊपर जाओ छोटू मियाँ, ओए कहाँ गए वो देखो वहाँ बैठ गया जाएंगे, चलो इधर से उधर जाओ, हाँ चलो 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 उधर जाओ। बाकी यार इन दोनों के मुझे अच्छे खासे नाम सजेस्ट हुए थे दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नेम, खैर से वो हम रखते हैं इंशाल्लाह कल, क्योंकि यार फुरकान भी नहीं है तो फुरकान आज आ जाएगा, तो कल हम आप लोगों को आप और हम इनके नाम रख देंगे। बाकी इस वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को करना है अच्छा सा नेम, अभी हमने रखा नहीं है वो नाम, और जो हमें अच्छे लगेंगे ना फिर हम उनमें से कर लेंगे डिसाइड कि कौन से रखने हैं, जो अच्छे हुए सबसे वो इन दोनों के रख देंगे। तो यार दोस्तों आज जो है मैंने तुम लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी और एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी,
तो मैं बताता चलूं कि यार आप लोग तो देख ही रहे हो कि मैं कब से वीडियोस बनाते हुए आ रहा हूं, काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, और तकरीबन एक साल हो गया है हमारे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और बहुत अच्छा मतलब एक बोलते हैं सपोर्ट भी मिला है। जो जो मुझे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। बट दोस्तों अब बात ये आ रही है कि मैं जो हूँ दोस्तों इस सेटअप को बढ़ाना चाहता था, वो ऐसे कि हमारा ये जो छोटा सा मिनी सेटअप है ना, अभी मैं इसको बहुत बड़ा करना चाहता था। ये तो अभी खैर एक जगह पर है, पर मैं चाहता था कि यार हम जो हैं वो एक बड़ा सा मास्टर केज जो होता है वो यहाँ पे बनवाते इस दीवार के ज़रिए इस तरफ, वरना जब भी बनवाते तो मैं तुम लोगों से ज़रूर सजेशन लेता उसकी कहाँ बनवाएं, लेकिन मेरा पूरा था बनवाने का। बट दोस्तों यार मुझे जो है वो हर चीज़, जाहिर सी बात है दोस्तों ये हर किसी के घर में होता है, कोई भी चीज़ आप बनवाने लगते हो तो उसकी परमिशन लेना लाजमी होती है। तो मुझे जो है वो घर से परमिशन लेनी थी, जो कि मुझे परमिशन काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही, जिसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, क्योंकि घर वाले मेरे को बोलते हैं कि यार तुम एक साल से कर रहे हो यूट्यूब और तुम्हें इससे क्या मिलना है, और कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर, एक साल हो गया है, मत करो, कुछ भी नहीं होता। तो यार बस उस चीज़ की वजह से मैं रुक गया था और ये सारे काम रुक गए, तो कुछ भी नहीं बनवा पा रहे हम, ना मास्क का केज वगैरह। तो बस यही वजह थी दोस्तों ये चीज़ शेयर करनी थी कि यार आप लोग सपोर्ट करो जितना सपोर्ट होगा, ताकि मेरी फैमिली भी समझे इस बात को कि यार हम जल्द से जल्द यहाँ मास्टर केज बनाए अच्छा सा, और जो है पूरी छत जो उसको मिनी जू में तब्दील कर सकते हैं। यार हम मैं बहुत चीज़ें लाना चाहता था, बहुत चीज़ें बनवाता मैं, बहुत बहुत चीज़ सोच के बैठा हुआ था, बट यार उस हिसाब से जो है ना मैं बना नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो इजाज़त नहीं मिल रही फैमिली की तरफ से, और दूसरा सपोर्ट जो है वो काफ़ी चाहिए मुझे, तो सपोर्ट लाजमी करें मुझे, ताकि मैं जो हूँ खुद अपने बल पे खुद चाहता हूँ कि मैं पूरी छत पे जितना लगाऊँ ना, कुछ भी बनाऊँ तो वो अपने पास से बनाऊँ और ख़ुद बनाऊँ दोस्तों। तो बस यार यही एक छोटी सी हेल्प थी जो मुझे आप लोगों से चाहिए थी, अपनी जितनी ऑडियंस है जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, और ये एक छोटी सी सपोर्ट है जो तुम लोग करो यार, ताकि जल्द से जल्द जितना मुझे सपोर्ट मिले उतना मेरी फैमिली मुझे समझेगी, और मुझे यहाँ जो है दोस्तों वो मास्टर केज भी बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। पर यार अगर सपोर्ट नहीं मिल पाई तो यार दोस्तों मुझे मजबूरन तौर पर फैमिली के बार बार वो एक प्रेशर की वजह से छोड़ना पड़ेगा सारा काम, और आप लोग समझ सकते हो फिर यार मेरी बड़ी मेहनत है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब छोड़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसी में बहुत कुछ कर सकूं। तो बस आप लोग सपोर्ट करें और अच्छा सा कमेंट कर दें मास्टर केज के लिए कि मास्टर केज बनाना है या नहीं, ताकि मैं फैमिली को मना सकूँ, तो जल्दी से एक कमेंट कर दो मास्टर केज का। तो यार सबको दाना पानी डाल के मैंने पूरा कर दिया दोस्तों, और जो फुरकान है ना वो अभी तक नहीं आया, देख लें मगरिब होने को आ गई है दोस्तों, अजानें स्टार्ट हो गई हैं पर फुरकान नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा था, मिला अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए, पन्नी भाई कॉल करी तो वो बोल रहा है अभी तो मैं हसन भाई काफ़ी दूर हूँ, अभी भी मुझे आधे से पौन घंटा लगेगा पहुँचने में। तो खैर से यार उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने बोला यार क्या कर सकते हैं छोड़ो। तो यार दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। बाकी यार कमेंट में लाजमी मेरे लिए आप लोगों ने सपोर्ट दिखानी है, ताकि जो फैमिली है मेरी वो समझ सके मुझे, और हमारे लिए जो ये सारा कुछ है ना यार बंद ना हो, और बस कमेंट कर देना लाजमी।